संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर रहा बाजार बंद। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर बागपुर क्षेत्र में भी दुकानें बंद रही। व्यापार मंडल व अन्य संगठनों ने भी इस भारत बंद को समर्थन दिया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 3 कृषि बिल के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के साथ अन्य संगठनों के सहयोग से क्षेत्र में हर प्रकार की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। इस भारत बंद को सफल माना जा रहा है। किसानों ने भगत सिंह चौक व बाजपुर दोरा बॉर्डर बीच हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से रोड बंद कर जाम लगाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठे। गुरुद्वारा साहिब की ओर से धरने पर बैठे किसानों को धरना स्थल पर लंगर की व्यवस्था भी की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने बताया कि किसान पिछले 10 महीने से 3 कृषि काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर केंद्र की गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को दुगनी आय का सपना दिखाकर ठगने का काम किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार 3 कृषि बिल वापस नहीं लेती है तो आने वाले 2022 के चुनाव में किसान एक तरफा होकर भाजपा पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। के हमें 10 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, धूप गर्मी लू ठंड बरसात किसान झेल रहे हैं बॉर्डर में बैठे, मगर ये सरकार को कोई पता ही नहीं कि किसान क्या कर रहे हैं। इसके मूंगी बहरी सरकार है ये, इसको पता नहीं कब समझ आएगी। हमारी जो टकैत साहब ने 2-3 रैली करी, एक तो मुजफ्फरनगर में, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में हुई है, इतनी बड़ी रैली कहीं भी नहीं हुई होगी। और ये कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब एक रैली हमारी हुई है अभी थोड़े दिन पहले सीतापुर में, वहाँ पर सारे देसी लोग थे और इतनी बड़ी रैली हुई है कि वहाँ रुकने को जगह नहीं। सरकार वो मीडिया ने वो बंद कर दिया, मोदी मीडिया जो गोदी मीडिया है उन्होंने ये जो रेंज थी फोन की वो बंद कर दी कि इनकी आवाज़ बाहर ना निकले। हमारे जो वहाँ पर वो थे मीडिया वो 1 किलोमीटर दूर आके उन्होंने वो देखा, उन्होंने थोड़ा बहुत जो बताया, मगर वो उन्होंने ज़रा भी रैली नहीं दिखाई कितनी बड़ी रैली है। ये सरकार ठग करसार है, बेईमान सरकार है, हमें ठग लिया किसानों के झूठी सरकार ने कि हम तुम्हारी दुगनी आमदन करने के बाजू खड़ा करके कह रहे थे दुगनी आमदन किसानों की हो जाएगी। हमारी आधी भी नहीं रही, किसान भुखमरी पे आ गए हैं। डीजल इतना महंगा हो गया है कि जो हमारा सलेंसर है ट्रैक्टर का उसमें नोट जल के निकल रहे हैं, मगर इस सरकार को कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसको हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आती। इसको खुदाई या इसको अकल दे, इसको समझ आ जाए कुछ। जो जितने व्यापार मंडल हैं, ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, ये टुक टुक यूनियन है, व्यापारी हैं, सब ने हमें सहयोग दिया है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने सहयोग नहीं दिया। हम सबका तय दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग करा है और हमारा हौसला बजाई करी है। तो अगर 10 साल भी निकल जाएंगे बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे सर किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। ये जो उनका जो है वो खेती मंत्री क्या नाम है वो तोमर जी, मैं 2-3 दफ़ा जो उसमें गया हूँ, जो उन्होंने बुलाए हैं किसान ने मीटिंग करी है, तो मैं 2-3 मीटिंगों में गया हूँ, वो एक ही रट उसके मुंह को लगाम दी हुई है। सरकार ने तोमर के मुंह को लगाम दी है तो इसके आगे कुछ नहीं कहना। वो एक ही बात कहता है 3 कानून ठीक हैं। दूसरी बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो हमको हम उनको पूछते हैं, हमारे किसान जो नेता हैं वो उनको घेरते हैं चारों तरफ से, जब उसको कोई बात नहीं आती तो कहता अच्छा चाय पी आएँ, चाय पीने के बहाने चले आए।